श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या एक अध्याय संख्या दो श्लोक संख्या पांच। श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चीराने किं पथि न संति विशंति भिक्षां ना एव अग्निः पापर्भृत सरिता अपि अशुषण रुद्धा गुहा किम अजित अवती न उपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवये धन्दुर्मुदन्धान। चीराणि किं पथि न सन्ति विशन्ति भिक्षां न एव अङ्घी कृपा परमृत सरितः अपि अशुषणा रुद्धा गुहा किम अजितः अवती न प्रसन्नान कस्मात् भजन्ति कवये धन्दुर्मुदन्धान। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने के कारण नदियाँ प्यासे को जल नहीं प्रदान करती? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो उठे। बहुत लंबा परपट है, बहुत बढ़िया परपट है, इसको स्टेप्स में करेंगे। अभी अनुवाद को जरा देखते हैं कि तात्पर्य के अंदर जो है अनुवाद के बारे में क्या चर्चा हो गई। संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज में किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज पर ही जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, ना कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक संन्यासियों द्वारा ग्रस्तों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म में सन्यासी को भिक्षा देना ग्रस्त का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि सन्यासियों को परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन वस्त्र आदि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासियों द्वारा श्रद्धालु प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। छद्म सन्यासियों द्वारा श्रद्धालु ग्रस्तों की दान वृत्ति का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उसे आत्म साक्षात की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। शील सनातन, शील रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वतापूर्ण वाद विवाद गोष्ठी। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्रील गोस्वामी ने की और श्री रूप गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहीं स्थित हैं। यहाँ तक पढ़ते हैं। अभी इसके श्लोक के अनुवाद में पिछले वाले अनुवाद से कंटिन्यूएशन चल रहा है। पिछले अनुवाद में कहा गया था जब लेटने के लिए पर्याप्त भूखंड हो तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। मतलब जब धरती अवेलेबल है तो चारपाई की जरूरत नहीं। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो वस्त्र की आवश्यकता है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं, क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े? क्यों दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अवदान में भिक्षा नहीं देते? मीन्स अब इसी पर्पट में आगे आएगा, आगे जाके चर्चा करेंगे इन दो शब्दों की। क्या सूख जाने के कारण नदियां प्यासे को जल नहीं प्रदान करती? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
कि शरणागत हो जाना उसका क्या कंसेप्ट है, फॉर्मेट क्या है। भगवान परम शक्तिमान है, ये बात एक्सेप्टेबल है, एग्रीड, पर शरणागत का लेवल क्या है। देखिए अर्जुन ने ये बात भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कही, बहुत बढ़िया बात है, समझने वाली है। कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव प्रशामी त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षे स्या निश्चितम रोहित अन्य शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये लास्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है। पहले कह रहा है कि मेरे में कृपणता का दोष आ गया है, मैं कंजूस हो गया हूँ। क्या कंजूसी आई है कि आई एम ए वॉरियर, मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके विजय प्राप्त करने वाला वीर हूँ, मेरे पास गांडीव धनुष है, परंतु मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये कंजूसी है। मेरे स्वभाव में कंजूसी का दोष आ गया है, मेरे चेंज आ गया है। तो कह रहा है कि कृपणता का दोष आने से मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। जब घर से तो युद्ध करने आया है, भगवान कृष्ण को सारथी बना के लाया है, अब उनसे जो है ज्ञान प्राप्त कर रहा है और उनको अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर अगले सेंटेंस में कहता है कि अब आप जो है जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए उचित हो, जो मेरे लिए बढ़िया हो, उसका ज्ञान मुझे दें, मुझे बताएं, क्योंकि मैं धर्म भूल गया हूँ। धर्म मतलब अहिंसा परमो धर्म है। ये कहते हैं कि आपको जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ये धर्म का सिद्धांत है। जो अर्थ धर्म है, अर्थ धर्म का सिद्धांत है कि आतताई को सामने देखते ही उसका वध करना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पे जो है कोट करते हैं 6 प्रकार के आतताइयों की चर्चा, स्त्री को हर लेने वाला, धन को हर लेने वाला, धरती को हर लेने वाला, तलवार लेके मारने वाला, मतलब शस्त्र उठा के मारने वाला, अर्थात इन इस आतताई को देखते ही मार देना चाहिए। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं धर्म का पालन करूँ या अर्थशास्त्र का पालन करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हो रहा। फिर वो कहता है कि मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ, मीन्स यू आर माई गुरु एंड आई एम योर शिष्य। उससे जो है आप मुझे ज्ञान देंगे कि मेरे लिए उचित क्या है। पर अर्जुन इज़ वेरी स्मार्ट, वो कहता है कि अगर उन्होंने ज्ञान दे दिया तो करना तो मुझे ही है, तो शरणागत का अर्थ क्या है कि अब ये करें, अब ये करें। जैसे कि एक बच्चा छोटा है, माँ के शरणागत होता है तो माँ ही पॉटी कराती है, माँ ही शुशु कराती है, कपड़े बदलती है, नहलाती धुलाती, मालिश करनी, दूध पिलाती वगैरह वगैरह, सारे कार्य माँ के द्वारा किए जाते हैं। अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो माँ को केयर लेनी पड़ती है, परहेज़ माँ को भी करना पड़ता है, माँ का दूध पीता है, तो माँ सारे कार्य करती है बच्चे के लिए। इस तरह अगर मैं शरणागत हो जाऊँगा तो सारे कार्य भगवान करेंगे, मैं रिलैक्स। तो यहाँ जो है ये चर्चा आ रही है कि सर्वशक्तिमान क्या शरणागतों की रक्षा नहीं करते। जब आप उनके प्रति शरणागत हो जाओगे, पर शरणागति के जो लक्षण है वो आपको पूर्ण करने पड़ेंगे। अर्जुन ने वहाँ कह दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा, और यहाँ जो है शरणागति अगर आप पूर्ण रूप से भगवान की कर देते हो तो देन इट इज़ कृष्णास ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ यू, अपने आप लेते हैं। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जाना परिउपासित है। इसमें जो शब्द आया है योग क्षेम महामी अहम, कि आपके पास जो अप्राप्त है वो आपको दिलवाते हैं, जो भक्ति में साधन है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, और जो आपके पास है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसकी रक्षा करते हैं। भगवान केयर लेते हैं आपकी, शर्त यह है कि आपको उनके शरणागत होना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन यही किया जा रहा है, क्या यह सर्वशक्तिमान भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते, तो फिर विद्वान मुनि जन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत होते हैं। ये आसुरी संपत्ति, आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत शक्तिमान हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बैंकों में पैसा भरा पड़ा है, आई एम द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। और जो विद्वान मुनि जन है उनके बारे हाथ जोड़े खड़े, गलत है ये। वो चाहे विद्वान हो, मुनिजन हो, ही इज ए सुप्रीम पर्सन टू प्रे गॉड, वो भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए बहुत ही बढ़िया आदमी है।
उसके प्रति सब लोगों को मान सम्मान अर्पित करना चाहिए, ना कि वो अमीरों के प्रति मान सम्मान अर्पित करें। तो यहाँ चर्चा आ रही है संन्यास की, कि सन्यासी कभी भी भिक्षा मांगने पर परजीवी दूसरों पर रहकर निर्भर जीवित रहने के लिए नहीं। अब सन्यास की टाइप्स क्या हैं, मतलब सन्यासी जो है उनके क्या कैटेगराइजेशन है, कैसे हम उनको कैटेगराइज करते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कि परिवार में रहता था, बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ थी, अल्टीमेटली गृहस्थाश्रम से आया, वानप्रस्थ में चला गया, अल्टीमेट सन्यास ले लिया। अब सन्यास लिया है तो पहली कैटेगरी है कुटीजन की। कुटीजन मीन्स कुटिया में रहने वाला है, नंबर एक। प्रसाद अभी भी घर से आता है, मतलब घर से कनेक्शन नहीं टूटा, घर से कनेक्शन अभी स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि उसका खाने पीने की व्यवस्था परिवार वाले करते हैं, प्रसाद घर से आता है। तो ऐसा सन्यासी जो है उसको कुटीजन की कैटेगरी में रखा है, बिगनर है, अर्ली फेज है, मतलब सन्यास में लर्नर है। अब दूसरा आता है बहुधक। बहुधक मीन्स बहुत स्थानों पर जाने वाला और भिक्षा ग्रहण करने वाला, मधुकरी करता है, कुटीजन नहीं है, एक बम्बल बी की तरह है, अर्थात एक भंवरे की तरह है जो अलग अलग जगह पर रस चूसता है। और इसी तरह सन्यासी जो है मधुकरी करता है, अलग अलग घरों से भिक्षा ग्रहण करता, बहु बहु मीन्स ज़्यादा ज़्यादा घरों से भिक्षा ग्रहण करता है और उस भिक्षा से अपना पालन पोषण करता है। अब उससे जरा और एक अपर स्टेप पे आते हैं, कैटेगरी नंबर थ्री, वो है परिवाजरक। जब कहते हैं परिवाजरकाचार्य श्रोतर सत श्रीमद, मतलब परिवाजरक अर्थ क्या है कि वो कुटिया नहीं है उसके पास, अब घर उसने छोड़ दिया है, उसका कोई घर नहीं है, ही डजेंट हैव एनी हाउस। अब उसके पास क्या है, जहाँ रुके वहाँ रुक गए, संसार भर में प्रचार करना है। उसका काम यह है कि संसार भर में प्रचार करना है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दैट प्लेस टू अनदर, थर्ड प्लेस टू अनदर, मीन्स ही इज मूविंग ऑल। और जहाँ मूव करता है, जहाँ जैसी स्थिति होती है वैसे अपना विश्राम कर लिया, वैसे आराम कर लिया, वैसे सोने की व्यवस्था कर ली, तो जैसी स्थिति हुई वहाँ पे उनका जो लोगों ने भक्ति भाव से उनको प्रसाद अर्पित कर दिया, मतलब उसका जो है एक जगह पे निवास स्थान नहीं है, इट डजंट हैव वन हाउस, कि मैं ये मेरा घर है, ये मेरी कुटिया, नो, इट डजंट हैव कुटिया, ही इज मूविंग ऑल द वे। और उसका कार्य है प्रचार करना, प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब उससे ऊपर का स्टेज आता है, कैटेगरी नंबर फोर, वो कैटेगरी क्या है, ही इज परमहंस। परमहंस मीन्स इट इज द सुप्रीम पोजिशन ऑफ ए सन्यासी। प्रचार समाप्त हो गया, अब एक स्थान पे निवास करना है, ये टू फाइंड वन कुटिया, अपने लिए धाम में कहीं भी अपना जो है एक कुटिया बन गई, वहाँ पे निवास करना है। परंतु निवास करते हुए भी लोगों से मिलना, उनको भक्ति मार्ग में आगे लगाना और प्रचार करना, ये नहीं कि अपने को सिक्लूड कर दिया, अपने को एक जगह पे फिक्स कर दिया, नो, ही इज स्टिल प्रीचिंग बट सिटिंग एट वन प्लेस। और अपने अध्यात्म, अपने स्पिरिचुअलिटी में, अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्सट्रीम पे चले जाना है, सिद्ध एकदम परफेक्ट, अब कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये चार स्टेजेस हैं सन्यासियों की। अब इनके लिए जो है, सन्यासियों के लिए यहाँ कहा गया है कि गृहस्थों की कमाई पे आश्रित नहीं है, बट इट इज ड्यूटी ऑफ द गृहस्था टू फीड ए सन्यासी एंड टेक केयर ऑफ हिम। गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था जो है वो है बाकी तीन आश्रमों को सपोर्ट करना, ब्रह्मचर्य को, वानप्रस्थ को और सन्यास को, इन तीनों को सपोर्ट करना। क्योंकि अगर कोई सन्यासी परंपरा से है, प्रमाणिक है, तो वो सन्यासी जो है अगर किसी गृहस्थ से भिक्षा लेता है
या मधुबनी करता है। तो ये गृहस्थ के लिए एक सो अवसर है कि ही इज गेटिंग ए चांस टू सर्व, उसको सेवा करने का अवसर मिलता है। तो दिस इज ए ग्रेट थिंग फॉर हिम, ये उसकी भक्ति में सहयोगी है कि आपने किसी सन्यासी को या ब्रह्मचारी को सपोर्ट किया है, भिक्षा दी है, उस वक्त टेम्पररली रहने के स्थान की व्यवस्था की है, तो आपने जो है एक बड़ा ही अच्छा अवसर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए यूज किया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सन्यासियों को अपने परिवार का बालक जैसा माने, लाइक यू डू एवरीथिंग फॉर योर चाइल्ड, यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर ए सन्यासी। डू एज मच एज यू कैन, एज मच सेवा यू कैन, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करिए। बट सन्यासियों को एक इंस्ट्रक्शन है शास्त्र के अनुसार कि उसे ग्रस्त को एक्सप्लॉयट नहीं करना है, उसकी जो सेवा कर रहा है उस सेवा को एक्सप्लॉयट नहीं करना है अपने बेनिफिट के लिए। यस टू से न्यूट्रल, बड़े ही रिमोट, बहुत ही मतलब मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर सन्यासी को जीवन यापन करना है। भाई ग्रस्त मिला, ग्रस्त ने कहा ये मेरे लिए, ये आपके लिए सेवा है, एक्सेप्टेड। ये नहीं कि तुम मेरे लिए होटल का कमरा बुक करो, तो मेरे लिए ये करो, तो मेरे लिए बुक करो। तो भाजी क्या कहते हैं, दो रोटी चाहिए और सोने का स्थान चाहिए, चार पहने कपड़े चाहिए, दैट्स एनफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अब दूसरी बात यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनको जो कि पब्लिक को, मनुष्यों को प्रीच करना है, अध्यात्म के मार्ग पे आगे लेके जाना है, और संन्यास में चौथी स्टेज पे आ गए हैं, परमहंस की स्थिति है, तो ऐसे लोगों का कार्य है कि लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, या तो श्रुति के द्वारा उनको सुनाएं या आँख के द्वारा उनको पढ़ाएं। पढ़ाने का मतलब ये है कि ग्रंथों की रचना करें, बुक्स की रचना करें। और हम देखते हैं कि बुक्स की रचना हुई, सनातन गोस्वामी ने करी, रूप गोस्वामी ने करी, जीव गोस्वामी ने करी, ग्रंथों की रचना करी, जिससे कि जो है लोगों को आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। पढ़ते हैं, मिलजुल के समझते हैं, किसी बड़े से समझते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, हृदय की शुद्धि होती है, फिर आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हो। नाउ यू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब इसके आगे लिखते हैं कि ये सन्यासी गोस्वामी लोग मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य छोड़ रहे हैं, फॉर बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने जिन्होंने स्वेच्छा से सन्यास आश्रम ग्रहण किया, उन्होंने मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया। वे कभी भी अन्यों के ऊपर भार स्वरूप नहीं रहे। आप वृंदावन में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर में जाइए, छोटी सी कुटिया, बिल्कुल पहाड़ की गुफा की तरह, उसमें बैठ के भजन कर रहे ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ना धूप की चिंता है, ना बरसात की चिंता है, ना ठंड की चिंता है, ना कोई परेशानी, गर्मी नहीं, पसीना नहीं, कुछ जो है बढ़िया है। और इतनी छोटी सी कुटिया है, वहाँ दर्शन करके, वहाँ प्रणाम करके, भावे दंडवत करके आनंद आ जाता है कि सन्यासियों ने कितने मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर रह के कितना मैक्सिमम हमको जो है लाभ दिया है, कितनी कितने ग्रंथों की रचना करी है, कितना ज्ञान दिया है, जिससे कि हमें जो है आज भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पर वो किसी के भार स्वरूप नहीं थे, जो आया लोक सेवा कर गए। अब लोक सेवा करते सनातन गोस्वामी कोठी बना लेते, एक बंगलो बना लेते, एक फार्म हाउस बना लेते, नहीं भैया मैं इसी में हूँ, बाकी जो पैसा तुम दान दक्षिणा दे रहे हो वो भगवान की सेवा में लग गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये कुटिया चाहिए, बस दैट्स ऑल, मैं इस कुटिया में खुश हूँ। लोग आते हैं, भिक्षा दे जाते हैं, भोजन दे जाते हैं। मैं याद है मुझे कि हम कदम्ब डेर में गए, नंदग्राम में कदम्ब डेर नामक स्थान है, वहाँ गए तो वहाँ की कथा क्या है सुनिए कि रूप गोस्वामी सेवा करते हैं वहाँ पर और भजन करते हैं,
उनको एक बार ये खबर मिली कि सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, मुझे कुछ बढ़िया बनाना चाहिए, कुछ उनको प्रसाद खिलाना, अरे सामान कुछ है नहीं, तो इज नथिंग अवेलेबल। अब भिक्षा लेके आते थे, जो मिल जाता था उसे बना लेते थे, यहाँ भाई आ रहा है उसके लिए कुछ बनाऊँ, मेरे पास सामान ही नहीं है। इतने मिनिमम रिसोर्सेज में रहते थे सन्यासी, और अल्टीमेटली मन का भाव देख के एक बालिका आई, चावल दे गई, दूध दे गई, चीनी दे गई, गोस्वामी ने वहाँ पे जो है अपना खीर बनाई और बड़े भाई को अर्पित कर दी। बड़े भाई ने जब खीर खाई तो दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई, बोले खीर किसने बनाई है, सामान कहाँ से आया, कौन आया, क्या आया, क्या नहीं है। मैंने कहा वो बालिका आई थी, सामान दे गई थी, बोले मुझे उसके घर ले चलो। उसके घर गए, घर गए तो घर की जो गृहिणी है उससे पूछा, वो आपकी एक लड़की आई थी हमें सवेरे खीर सामान दे गई सारा खीर वीर बनाने का, तो आप बताइएगा वो लड़की कहाँ है। तो माता कहने लगी, वो लड़की तो एक साल से ससुराल में है, अभी तक गाँव आई नहीं। तो कौन आया, स्वयं राधा रानी, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अप्राप्त को प्राप्त कराते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने का सहायक है। और आज भी मैं आपको बताता हूँ, कदम मटेर की खीर का कोई मुकाबला नहीं है, जाएं अवश्य पाएं, मतलब प्रसाद के रूप में उस खीर का कोई मुकाबला नहीं, आज भी खीर है, दिव्य खीर है। मैंने दो जगह ऐसी खीर प्राप्त करी है, एक यहाँ पर और दूसरा नंदीग्राम में, जहाँ पर हनुमान जी का भरत जी से मिलन होता है, उस जगह पे जो अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर है, उसकी खीर बेमिसाल है, टेस्टी है, वंडरफुल। अब इसके बाद आता है तीसरा जो है वो है जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं हमें क्षीरचोर गोपीनाथ, जहाँ पर भगवान ने स्वयं खीर को छुपा दिया और माधवेंद्र मुनि को खिलाया। वहाँ भी अगर आपको खीर मिल जाए, वहाँ मुझे खीर प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला है इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया, पर वहाँ की भी अगर खीर मिल जाती है किसी को खाने के लिए, वो भी बेमिसाल है। तो मतलब ये है कि भगवान का जो भोग है, जो भगवान के स्वयं को उन्होंने भक्तों के लिए कार्य किए हैं, वो इतने अजब हैं, इतने गजब हैं कि आप उसको कभी इमेजिन नहीं कर सकते। उनको लीलाओं को सोच सोच के इतने आनंद की प्राप्ति होती है कि आप उस आनंद को मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि किंतु जो सन्यासी को योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए ग्रस्तों के यहाँ न जाएं। मीन्स आपका सन्यासी तो बन गए, आपका समाज के प्रति योगदान क्या है? समाज के प्रति योगदान नहीं है कि आपने कहा हो मैं तो बड़ी उच्च पदवी पे आ गया, इसलिए जाके मिनिस्टर, मैं सड़कें बनवाऊंगा, बंगले बनो, आपका योगदान है समाज को आध्यात्मिक मार्ग पे आगे ले जाना। लाभ यही है कि आप उनको भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाएं, उसके लिए चाहे कथाओं के माध्यम से श्रवण हो या आंखों के माध्यम से रीडिंग की जाए, बुक्स लिखी जाए, बुक्स को आगे प्रकाशित किया जाए, जिससे कि पब्लिक जो है उसको अवेयरनेस आए कि ये शरीर जो मिला है, ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए है। ये बात एक क्लियर होनी चाहिए, दो में से एक, इंद्र तृप्ति या भगवान की प्राप्ति, तो भगवान की प्राप्ति दिस इज मेन, इंद्र तृप्ति नहीं। अब यहाँ पर जो है फिर कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा ग्रस्तों से भोजन की भीख इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। अब वो भीख नहीं मांगनी है, अब गृहस्थ आपके पास ऑटोमेटिकली स्वयं आएगा आपके भोजन लेके, प्रसाद लेके, अब आप उसके यहाँ, अब आप परमहंस की स्थिति में आ गए, अब आप जाके भीख नहीं मांगेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक ड्यूटी ऑफ ए गृहस्थ आपको फीड करेगा, आपकी केयर लेगा, आपके वस्त्र हैं, आपका बाकी सामान है और आपका प्रसाद है, उसकी व्यवस्था करनी, तो ग्रस्तों का कार्य हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपने आर्थिक समस्या हल करने के लिए विधि को बनाते हैं, आर्थिक समस्या हल कर रहे मांग मांग के। अरे ऐसे हमने देखे हैं भगवे कपड़े पहन के लोग घूमते रहते हैं, पैसे इकट्ठे करते रहते हैं कि हम तो सन्यासी हो गए,
और उनके उनके गुदड़ी में लाखों रुपए निकलते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं उनके खातों में से। क्या है जी, ठीक मानते हैं तो, हम तो सन्यासी हो गए। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थिति पर सन्यासी बन जाता है तो उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर समस्त जीवों का पालन करता है, सर्वत्र विद्यमान है, तो भला वह क्यों कर उस अपने शरणागत की उपेक्षा करेगा जो 100% उसकी सेवा में लगा रहता है। तो कितना बढ़िया कंसेप्ट दिया है, शरणागत की सेवा करना, सेवा करना मतलब शरणागत को भी उसको सेवा करना मीन्स उसका ध्यान रखना, उसकी केयर लेना भगवान करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे जब आप उनके प्रति शरणागत हो गए हो तो इसलिए कहा जाए कि भगवान अपने आप करते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक शरणागति का एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा, बहुत पुरानी बात है ये। मेरा ख्याल है कि 25 साल हो गए होंगे, 24-25 साल हो गए, मेरे गुरु महाराज हमारे एरिया में आए, घर में बैठे हुए थे, एरिया में प्रचार के लिए चर्चा चल रही थी। हम, मैं बैठा था, एक डॉक्टर और थे, वो बैठे थे, एक आधा नया शिष्य बना, तीन तीन चार लोग ही थे, बाकी सारे इनिशिएटेड नहीं थे, प्रोग्राम्स में आते थे। तो गुरु महाराज से चर्चा हुई शरणागति की, शिष्य और शरणागति दो बातों पर चर्चा हुई। महाराज ने कहा कि शरणागत होना, अगर आप जो है शरणागत का मतलब यह है पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। अब जब आप गुरु के प्रति शरणागत हो तो उसमें दृढ़ विश्वास कैसे परिलक्षित होगा, कैसे कन्फर्म होगा दृढ़ विश्वास है कि नहीं, गुरु की वाणी पे दृढ़ विश्वास है कि नहीं है। जब उसकी वाणी पे दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो भगवान की वाणी पे कैसे होगा। तो प्रोसेस यही है ना, गुरु के माध्यम से भगवान के पास जाना। तो महाराज कहने लगे कि एक शिष्य जो है वो थका हुआ प्रचार करके आ रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहा है, थोड़ा पसीने आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, वो आके दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, महाराज कहते हैं हाँ भाई ठीक हो। तो महाराज बहुत प्यास लगी है, बहुत गला सूख रहा है, बहुत प्यास लगी है। तो महाराज के पास महाभोग का गर्म दूध का गिलास पड़ा हुआ था, तो महाराज ने वो गिलास उठाया और शिष्य को पकड़ा दिया। शिष्य ने कहा महाराज ठंडा पानी चाहिए, ये गर्म दूध नहीं चलेगा, गर्म दूध नहीं चलेगा, ठंडा पानी पी के आता हूँ मैं। तो महाराज का कहना था, महाराज ने स्टेटमेंट दिया, हमको समझाया कि उसको गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु का दिया हुआ महाभोग का गर्म दूध ठंडे पानी की तरह मेरी प्यास बुझा देगा। इतनी विश्वास होना चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसी तरह भगवान पे विश्वास होना चाहिए, भगवान पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि अगर मेरे पे कुछ संकट आ गया है, मेरा बुरा समय आ गया है, मेरे स्टार्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, मेरे को नुकसान हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है भगवान अपनी कृपा आप पे बरसा रहे हैं। यही हम कभी अभी चर्चा करेंगे दया और कृपा के बारे में, कृपा बरसा रहे हैं कि आपको ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है कि आप भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान की कीर्तन श्रवण और स्मरण ये कर सकें। ये जो है तीन जो कार्य हैं ये भगवान करने का अवसर दे रहे हैं। अब लिखते हैं, एक सामान्य मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत की जीवन की आवश्यकताओं का न जाने कितनी परवाह करते हुए। क्या बढ़िया बात कही, ही केयर्स फॉर यू। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी भक्त किसी से कुछ मांगे बिना एक ओपीन धारण करे, वे सड़क में पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर ओपीन बनाना है तो कोई फटे पुराने कपड़े होंगे उनसे भी गोपीन बनाया जा सकता है, क्योंकि छोटा सा आइटम है, बहुत बढ़िया आइटम नहीं है, वो सजावटी आइटम भी नहीं है कि बहुत बढ़िया दिखना चाहिए, वो तो आपके वस्त्रों के अंदर आ जाएगा, तो उससे प्राप्त कर सकता है। और अगर वो भूखा है तो
तो वृक्ष फल देंगे, फल देने से कभी वृक्ष मना नहीं करता, वो फल दे देते हैं। और अगर उसे प्यास लगे तो बहती नदी से जल पी ले, जल पी सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एम्फेसाइज करती हैं कि सन्यासी जो है उसकी क्वालिटी क्या है। इट्स नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, उसका कोई चिंता ही नहीं है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। कहते उसे आराम दे घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत ना हो। छोटी झोंपड़ी बन गई है, रक्षा है, गुफा मिल गई है, रक्षा है, मीन्स आपके पास कोई ऐसा स्थान अवेलेबल है जहाँ आप आराम के साथ रह सकें बिना किसी ज़्यादा परेशानी के। आपको कोई बहुत बढ़िया मैट्रेस, बहुत बढ़िया बेड, बहुत बढ़िया ये सजावटी चीज़ कुछ नहीं चाहिए। What you need is a simple living, simple living। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भगवान आदेश दे सकते हैं, उनके हृदय में भी बैठे हुए हैं, जंगली जानवर के हृदय में भी हैं, उसको आदेश दे सकते हैं कि वो उनके भक्त को विचलित नहीं करें, वो उनके भक्त को विचलित नहीं करें। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी गुफा में रहा करते थे, संयोगवश एक बिस्तर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास के प्रशंसक जो नित्य उनको देखने आते थे उस सर्प से भयभीत थे। उन्होंने ये सलाह दी कि ठाकुर जी उस स्थान को छोड़ दें, क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे। हरिदास ठाकुर नहीं चाहते थे कि भक्तों को कोई कष्ट हो, तो उन्होंने जो है उस स्थान को प्रस्ताव मान लिया, अवस्था मानने के बाद उन्होंने गुफा को छोड़ दिया। जो ही ऐसा हो पाया, सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। अपने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का, उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जंगली जानवरों से करा दिया, झारखंड के वनों में वो सोच सकता था, वो भी नृत्य कर रहे हैं, वो भी नृत्य कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल है, शर्त सिर्फ एक ही है कि आप में कितना दम है, आप भगवान के कितने शरणागत हो और भगवान आपकी केयर लेने के लिए हमेशा रेडी हैं, आई एम रेडी, हमेशा तैयार हैं आपके लिए। अतः ये ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार हरिदास ठाकुर जैसे प्रमाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से ही सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए गृहणी बताया जो पूर्णता सिद्ध और पवित्र हों, पूर्णता सिद्ध हों और पवित्र हों। सिद्ध व्यक्ति की क्या पहचान है? साधक और सिद्ध दो शब्द हैं। साधक का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग में प्रैक्टिस कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, पर डिज़ायर अभी भी एग्जिस्ट करती है, डिज़ायर से फुलफिल करने का प्रयास न करें, पर डिज़ायर एग्जिस्ट करती हैं, आती हैं, सूक्ष्म भी हो सकती हैं, स्थूल भी हो सकते हैं। बट सिद्ध पुरुष वो है विच इज़ डिज़ायरलेस, एक ही डिजायर है ठाकुर जी की सेवा, भगवान की सेवा करनी, बस इसके सिवाय कोई डिजायर नहीं। तो सिद्ध है, पूर्णता सिद्ध है और पवित्र है। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस व्यवस्था का वर्णन दैवी संपद के रूप में हुआ है। तो भगवान यहां बता रहे हैं 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी है, आसुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। इसलिए हे पांडव पुत्र तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हैं। मतलब आपने अगर जो है मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति उसे पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। भगवान कहते हैं जो आसुरी संपत्ति का ग्रहण करता है, जो उस लेवल पे रहता है, उसको तो मैं नरकों में डालता हूँ, निम्नतम लोक में डालता हूँ,
उसको मैं निम्नतम योनि प्रदान करता हूँ। यहाँ जो है लिख रहे हैं कि आपको कष्ट बंधन में पड़ेगा, आपको बंधन में नहीं पड़ना है, यू हैव टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करेंगे तो आपको दैवी संपत्ति में आना, मतलब दैवी गुण होने चाहिए आपके अंदर। अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद, सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। शुड नॉट बी फियरफुल, डरता नहीं किसी, नहीं प्रभु नहीं, नो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग फियरलेस। आई से करेक्ट इज करेक्ट, कि तुम्हारे अनुसार मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करूँगा, कि तुम्हारे अनुसार मैंने अपने चेंजेस कर दिए, नो आई हैव गॉट नो पर्सनल डिजायर्स, मेरे को वही कहना है जो शास्त्र कहता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जो है डरना नहीं चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला नहीं होता क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। जब तक मनुष्य मान्य सिद्धि विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। मान्य विधि क्या है? जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को विधि के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं, गुरु के सानिध्य में, गुरु के आदेश के अनुसार और गुरु के सुपरविजन में, आपकी प्रैक्टिस आपको जो है हौले 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 परफेक्शन में ले जाती है। जब आप परफेक्शन पे, मतलब मैंने बोला ना, शुद्धता आती है, शुद्धि आएगी तो आपकी डिज़ायर्स कम होती चली जाएंगी। बात समझ में आ जाएगा, डिज़ायर का कोई फ़ायदा नहीं, भैया छोड़ो डिज़ायर के ऊपर मारो, गोली मारो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हौले 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 आप डिज़ायरलेस होते जाएंगे, मतलब आप शुद्ध हो रहे वहाँ। अब आप विधि पूर्वक शुद्ध हो गए, प्योरिटी आ गई, प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी आएगी, अब आप शक्तिमान हो गए, यस, अब मेरे में वो पवित्रता आ गई है, अब मेरे में सेंस ग्रेटिफिकेशन की, सुख भोग ऐश्वर्य की गंदगी नहीं रही, वो गंदगी नहीं है मेरे अंदर। नाउ इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा, उसे किसी का भय नहीं होगा, भले ही उसके साथ कोई ना रहे, ही मे बी अलोन बट ही इज नॉट वरीड, बट ही नोज कृष्णा इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरी केयर लेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है, यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन बी फियरलेस, यदि वे प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे, मतलब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हो, देन यू कैन बिकम फियरलेस एंड ऑनेस्ट। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। हाउ कैन यू बिकम फिक्स्ड इन योर ड्यूटीज, उसका तरीका एक ही है, श्रवण। क्या श्रवण करना है? जो वैदिक आदेश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस शास्त्रों में दी गई है, एज पर योर वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी है उसके इंस्ट्रक्शंस अलग हैं, गृहस्थ है उसके इंस्ट्रक्शंस अलग हैं, वानप्रस्थ है उसके इंस्ट्रक्शंस अलग हैं, सन्यासी है उसके इंस्ट्रक्शंस अलग हैं। सो फॉर ऑल आश्रम्स देर आर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, फॉर ऑल वर्णास, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उनकी इंस्ट्रक्शंस अलग हैं। तो यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, आप उनको फॉलो करिए। और वैदिक ज्ञान का जब आपने जो है ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हृदय में बसा लिया है, आत्मसात कर लिया है, तब आप जो है जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। यहाँ चर्चा आई है कि मतलब अकेलापन, एंड देर आर नो रिसोर्सेस, कोई रिसोर्सेस नहीं है और अकेलापन है, यू आर स्टेइंग अलोन। तो भगवान की प्राप्ति करनी है तो कैसे होगी भाई? हाउ डू यू गेट इट, हाउ डू यू डू इट? पहले भी मैंने कहानी सुनाई थी, आज फिर मैं वही कहानी रिपीट करता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी लवली स्टोरी। मैं भी कहने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है। एक गरीब ब्राह्मण है, कुछ खाने पीने को नहीं, एक झोंपड़ी में रहता है, भिक्षा मिलती है खा लेता है, भिक्षा नहीं मिलती नहीं खाता, मस्त रहता है। अब उसके मन में बात आ गई, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान मुझे साक्षात दर्शन दे दें, दर्शन करने हैं। तो एक सीनियर वैष्णव के पास, संत के पास जाता है, उनसे पूछता है, कहते भगवान को प्राप्त करना, भगवान को खुश करो। बोले मैं कथा सुनता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मैं कहा अच्छा ऐसा कर, तू भगवान को भोग लगाया कर। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं,
ना चूल्हा है, ना लकड़ी है, ना माचिस है, ना तितिला है, ना दूध है, ना चावल है, ना चीनी है, ना कड़छी है, ना कुछ नहीं मेरे पास, कटोरी नहीं, कुछ नहीं। ये तो मानसिक किया कर, मन से। तो मन से जो है वो भोग लगाता है, ये चूल्हा बन गया, ये लकड़ियाँ लगा दी, ये जला दिया, ये पतीला रख दिया, ये कड़छी घुमा दी, जो दूध डाल दिया, जो चावल डाल दिए, उसमें चीनी डाल दी, खीर बन गई, खीर को कटोरी में डाला, भगवान को अर्पित कर दिया, हवा में भगवान को अर्पित कर दिया। करता रहता है, करता रहता है, कभी खीर बना रहा है, कभी हलवा बना रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, करता 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 एक दिन मन में आया कि भगवान को नींबू पानी पिला दो। नींबू पानी पिलाना है तो लोटा चाहिए, ये लोटा आ गया, लोटा आ गया। अब नींबू चाहिए और चीनी चाहिए और पानी चाहिए, तीन चीज़ें पिलाने के लिए, चम्मच चाहिए, कड़छी चाहिए, जो भी चाहिए। तो उसने तीन मुट्ठी चीनी लोटे में डाल दी, तीन मुट्ठी डाल दी, तो लगा लोटा छोटा है, पानी इसमें कम आएगा, तो चीनी ज़्यादा हो गई है, तो एक मुट्ठी निकाल लेता हूँ। तो लोटे में हाथ डाला और मुट्ठी वापस निकालने लगा। जब तो मुट्ठी निकालने लगा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया आगे, कहते हैं क्या कर रहा है कौन? देखा तो साक्षात भगवान विराजमान है। बोले तो क्या कर रहा है? बोले मैंने आपको लगा खिला रहा, पानी पिलाने की मेरा मन आ गया था, नींबू पानी पिला दूँ, तो मैंने देखा कि लोटे में चीनी ज़्यादा रख गई है। तो भगवान बड़े मज़े में थे, उसे कहते हैं तो ये बता कि तूने चीनी डालने में को खर्चा किया था क्या? तो चीनी खरीदी थी क्या? चीना खर्चा करके आया था क्या? क्योंकि तो चीनी है नहीं, दिस नो शुगर, दिस नो वाटर, दिस नथिंग, मन से खिला रहा है। तो भगवान ने कहा मैं तेरे भाव से प्रसन्न हूँ कि तू सोचता है कि ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसने मुझे प्रसन्न कर दिया कि यू आर वरीड अबाउट मी, मैं प्रकट हो गया तुझे दर्शन देने के लिए, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। तो भगवान जो है अपनी सेवा से प्रसन्न होते हैं, हमें दर्शन देते हैं। कैसे देते हैं? अर्श विग्रह के रूप में हमें चांस मिलता है। भगवान कहते हैं अर्श विग्रह के रूप में मैं साक्षात विराजमान हूँ, तो मेरे दर्शन करो, मेरे पास आओ, मेरे दर्शन करो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करो। तो यहाँ पर जो है ये है कि कुछ ना सुविधाएं ना भी हो तब भी आपको जो है भगवान उपलब्ध है। आप भक्त हो तो भी दर्शन दे रहे हैं, भक्त नहीं हो तो भी दर्शन दे रहे हैं। पर मैंने ये देखा है कि अभक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं, भक्तों को देखते हैं, कीर्तन देखते हैं, आरतियां देखते हैं और भक्त बनने के मार्ग में चल पड़ते हैं। भक्त मरने के मार्ग पे चल पड़ते हैं। नाउ व्हाट दे वांट इज प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मैं पंजाबी बाग में कथा कर रहा था शाम की, 9 बजे मंदिर बंद होता है, गर्मी का मौसम था, एक फैमिली आई, 2 बच्चे, पति पत्नी, अंदर वो घुसे ही हैं, दर्शन बंद हो गए, 9 बज गए थे, तो कथा में बैठ गए। कथा के बाद मेरे पास आए, कहने लगे जी वो दर्शन कब होते हैं? मैंने टाइम बताए, इतने बजे तक, शाम को सुबह दोनों का टाइम बता दिया। तो कहने लगे अच्छा हम बैठे हैं, हमें भगवान के बारे में आज सुना है, हम तो सरोज गाड़ी में सामने से निकलते हैं, आज बच्चों ने कहा पापा मंदिर में दर्शन करने चलेंगे तो हम चले आए, पर हमें कथा अच्छी लगी, हम फिर आएंगे। बात आई गई होगी, मैं उन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैंने भक्त से कहा भैया जब मिलने आए वो टाइम वाइम बता के सेट कर लो, दर्शन करा देना। 1 साल के बाद इंसिडेंटली मैं फिर वहाँ लेक्चर देने गया, काम का लेक्चर, तो भक्त जो है प्रसाद बांट रहा था धोती कुर्ता पहन के, वही व्यक्ति सेम पर्सन, धोती कुर्ता पहन के प्रसाद बांट रहा था। अब बच्चे छोटे छोटे 10 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, वो भी धोती कुर्ता पहने हुए प्रसाद बांटने में हेल्प कर रहे थे। दर्शन का कितना लाभ हुआ है और बाद में भक्तों का संग जो मिला, कथा का संग मिला, उसने जीवन परिवर्तित कर दिया, एकदम लाइफ में चेंज ले आए। तो भक्त को भी भगवान दर्शन दे रहे हैं, भक्त को भी दर्शन दे रहे हैं अर्श विग्रह के रूप में। बहुत लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ अभी कन्वर्ट नहीं होते हैं, परंतु उनके मन में कन्वर्शन की इच्छा जागृत हो जाती है और हौले 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते चले जाएंगे। मे बी इट टेक्स टाइम, उनको अपना उसके लिए आने के लिए समय चाहिए, बट दे विल कम। हरे कृष्णा, आज इतना ही, शेष फिर। Hare Krishna Prabhuji, thank you for so much wonderful class. We got so many kathas. It was very nice, Prabhuji. I request devotees to ask your questions in comment section, or you can unmute your mic and ask.
यस कृष्णा श्री कृष्णा हरि प्रभु, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास एंड इट वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड स्पेशली द पास्ट टाइम आपने जो बताया गुरु महाराज का, गुरु कहते हैं वो ये उसमें ऐसे शिकायत बना वो भक्तों का प्रश्न है, कई पूछते हैं कि हमारे गुरु महाराज बोले तब ठीक है, शिक्षा गुरु कहे तो वो भी क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा गुरु परंपरा से है और परंपरा से आ रहा है तो पारंपरिक चीज बोल रहा है, शास्त्र से बोल रहा है। देखिए हमने जो पढ़ा है और सीखा है उसमें ये बात है, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि चार प्रकार के गुरु माने जाते हैं। वैसे तो गुरु जो है भागवतम में 24 प्रकार के गुरुओं की चर्चा भी हुई है, पर मुख्यतः अगर लेते हैं तो साधारण समाज में हम चार प्रकार के गुरु माने जाते हैं। एक गुरु वो है जो आपको मंदिर लेके आया, भक्तों से मिलाया, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसने इंट्रोड्यूस कराया आपको, उसको वर्तम प्रदर्शक गुरु भी कहते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु भी कहते हैं। ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस यू टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भी गुरु है, उसने आपको रास्ता दिखाया है, लोगों से भक्तों से मिलाया है, भगवान के दर्शन कराए हैं, भगवान का प्रसाद खिलाया है। मीन्स ही इज इन ए स्टेज वेयर इंट्रोडक्शन हैज बीन मेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाउ यू हैव टू लर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू हैव टू लर्न। लर्न करने के लिए आपके पास अब दो दो लोग हैं, दे आर टू पीपल। वन इज शिक्षा गुरु जो आपको ट्रेन करके ज्ञान दे के हृदय का शुद्धिकरण करवा के शास्त्र के महिमा बता के उनके ऊपर जो विधि विधान दिए हुए हैं उनको समझा के आपको ट्रेन करता है दीक्षा प्राप्त करने के लिए। दीक्षा दी मतलब दिव्य ज्ञान, क्षा मतलब क्षय, क्षय मतलब समाप्त हो जाना, समाप्त होते हैं पाप और दिव्य ज्ञान मिलता है, दिस इज दीक्षा। तो आपको दीक्षा गुरु पे ले जाता है। अब दूसरी पोजीशन क्या है कि दीक्षा गुरु जो है दीक्षा गुरु भी है और स्वयं शिक्षा गुरु भी है, दोनों कार्य कर रहा है वो शिक्षा भी दे रहे हैं और दीक्षा भी दे रहे हैं। मीन्स वो शिक्षा गुरु भी हैं और दीक्षा गुरु भी हैं। सो हेयर दीक्षा गुरु कैन बी डिफरेंट और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कैन बी डिफरेंट, दो बोथ कैन बी डिफरेंट और बोथ कैन बी वन एंड सेम। अब आपको शिक्षा गुरु ने ट्रेन करके दीक्षा गुरु पे ले गए, जिसने आपको दिव्य ज्ञान दिया, कान में मंत्र दिया, यज्ञ के सामने बैठ के आपको दीक्षा दी, आपको माला दी, हरि नाम दिया कि यस दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। अब उन्होंने आपके पापों को अपने पे ले लिया है यज्ञ में भगवान के सामने। नाउ यू आर कमिटेड कि मैं आगे से पापमय कार्य नहीं करूँगा, ताकि नहीं तो गुरु महाराज पे वजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उनकी भी हेल्थ खराब होगी, और हमने देखा प्रैक्टिकली होते हुए। नाउ जो दीक्षा गुरु है उसके ऊपर गुरु है, भाई एक व्यक्ति ने आपको ज्ञान दिया है, एक व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस किया है, अब एक व्यक्ति ने आपको जो है दीक्षा दी है, इज ए गुरु। अब उसके ऊपर कौन गुरु है? वो गुरु है स्वयं भगवान, वो आपके हृदय में विराजमान है, उनको चैत्य गुरु कहा जाता है। वो चैत्य गुरु के रूप में आपके हृदय में विराजमान है, जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपको राइट एंड रॉन्ग को डिस्क्रिमिनेट करने की पावर देते हैं। हम उस पावर को यूज ना करें ये हमारी गलती है, दिस इज आवर मिस्टेक, बट उसको राइट है या रॉन्ग है ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है हमें मिलती है, भगवान से मिलती है। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, भगवान कर देते हैं, भूल नहीं जाते हम उसको। हमें विधियाँ बताई गई, विधान बताए गए, वी डोंट फॉरगेट, दे स्टे इन अवर हार्ट, हमारे मन में रहते हैं वो हर समय, वो प्रतिष्ठित हो गए हैं। वो कार्य भगवान का है, चैत्य गुरु जो आपके हृदय में विराजमान है, वो उस ज्ञान को वहाँ से निकलने नहीं देते, स्थापित कर देते हैं। अब उसके बाद भगवान चैत्य गुरु ने एक चीज़ और की है, आई एम गिविंग यू लिबर्टी, यू फॉलो इट और यू डोंट फॉलो इट, दैट इज़ योर चॉइस, मैं उस पर कंपल्शन नहीं करता। टीचर ने स्कूल में बच्चे को पढ़ाया, बच्चे से कहता है बेटा एग्ज़ाम दे दे या ना दे तेरी मर्जी है, कंपल्शन नहीं है। अगली क्लास में जाना है तो एग्ज़ाम दे दे, नहीं जाना है तो मत दे, चॉइस तेरी है। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं कि चॉइस तेरी है, तू कर या ना कर, बट मैंने उस ज्ञान को तेरे हृदय में स्थापित कर दिया है, फिक्स कर दिया है, सेटल कर दिया है, ज्ञान तुझे मिल गया है, अब तू उसको फॉलो करे तो तेरी मर्जी है, ना फॉलो करे तो तेरी मर्जी है। तो चार प्रकार के गुरु हैं, इसमें शिक्षा गुरु की वैल्यू
ध्रुव बात लिखते हैं कि शिक्षा गुरु शुड बी ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड इक्वली एज दीक्षा गुरु, उनको बराबर का ऑनर देना चाहिए, बराबर का सम्मान देना चाहिए, उनको कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, उनके पास अभी परंपरा से दीक्षा देने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, या अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इन्फीरियर है। स्टेज वाइज है, ही गोज अप, बट उसको मान सम्मान पूरा मिलना चाहिए। एक माता जी का हाथ खड़ा है। हाँ जी मंजू जी, सवाल पूछो आप फटाफट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये कदम टी कहाँ पे है और उसके साथ दूसरा स्थान कौन सा बोला था आपने? नंदग्राम है जी, नंदग्राम। अच्छा, उसके सामने है कदम पेड़, कदम कदम टेर। अच्छा, वही है। हाँ, 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 उसी कदम टेर में है कदम पेड़। हाँ सब वो तो पता है मुझे। टेर का मतलब होता है आवाज लगाना। ठीक है। तो भगवान जब गऊ को ले जाया करते थे, गऊ बछड़े जब बछड़े सब जाती थी। अच्छा, तो उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वहाँ तो पे खीर प्राप्त करने का क्या है? वहाँ पर तीन आवाज लगती थी, उसकी चर्चा अच्छा। फिर कभी करेंगे। हाँ जी। अच्छा, दूसरा स्थान क्या बोला था प्रभु जी? दूसरा जो है राधा मदन मोहन जी का मंदिर है वृंदावन के अंदर, उसमें सनातन गोस्वामी की समाधि है जी। ठीक है जी। राधा रमन लाल जी के ब्याह की कुलिया जो मिलती है वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है। कहाँ की? इस आध्यात्मिक धाम के। कहाँ की? राधा रमन लाल जी की जो कुलिया है, खीर देते हैं वो भी आध्यात्मिक धाम के। प्रभु जी, टेक्निकली देखा जाए तो हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे इस्कान टेम्पल में जो खीर मिलती है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। वंडरफुल है, तो ही वंडरफुल है, नो डाउट। परंतु हम ये समझते हैं कि स्वादिष्ट होती है। हम ये समझते हैं, मेरा जो मैं मेरी जो फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है, कि हमारे पास इस्कान टेम्पल्स में बहुत रिसोर्सेज हैं, वो बनाने वाले भी बहुत हैं, पर कदम टेर जैसी जगह पर रिसोर्सेज नहीं है। वो बनाने वाला भी एक सन्यासी बैठा हुआ है वहाँ पे, वो बना रहा है, तो वो एक अकेला व्यक्ति बिना रिसोर्सेज के इतनी बढ़िया सुंदर खीर बना लेता है, उसका एक आनंद ही कुछ और है। रिसोर्सेज, तृप्ति माता जी प्रश्न पूछेंगे। यस माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जैसा कि आप अपना वीडियो ऑन करिए माता जी। जी प्रभु जी। हाँ जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, वैसे जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि जब हम इच्छा हमें होती है उसके बाद हमें क्रोध आता है, तो जब हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, इन सब चीजों को समझ रहे हैं, तो हम इसको देख तो पाते हैं कि हमें इच्छा हो रही है और हमें क्रोध भी आ रहा है, उसको कंट्रोल फिर कैसे करें? प्रैक्टिकली कैसे उसको डेली उन चीजों को लाए जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो? जैसे हम सबके साथ, हमारा जो एसोसिएशन है, हर कोई तो डिवोटीज नहीं है, तो हमें अपने आप को प्रूफ बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है नॉन डिवोटीज के प्रेजेंस में, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा जज करने लग जाते हैं। तो जैसे वो कंपेयर भी करते हैं कि इनके यहाँ तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो हमारी और इच्छाएं बढ़ने भी लग जाती हैं और कहीं ना कहीं एक इरिटेशन टाइप की भी होने लग जाती है कि नहीं हो रही है पूरी, लेकिन फिर खुद को याद दिलाते हैं कि नहीं, ये तो होगा ही होगा। लेकिन उस वक्त हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, संयमित करें और क्रोध ना आने दें, कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, क्रोध कब आता है? जब इच्छा पूरी नहीं होती। जी प्रभु जी। ठीक है, क्रोध का सोर्स है इच्छा। अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो पूरी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो क्रोध आएगा नहीं। हाँ प्रभु जी, लेकिन अब सुनिए भगवान क्या कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संग देशु उपजायते, संगात संजात कामा कामात क्रोध अभिजायते। क्रोध कब आता है? जब इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा कब आती है? इच्छा कब आती है? जब आपकी किसी विषय में आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति होती है तो आपके अंदर डिजायर पैदा होती है।
आसक्ति कब होती है? जब आपकी इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हो जाता है. योर आईज आर कनेक्टेड टू समथिंग, ईयर्स आर कनेक्टेड टू समथिंग, देन यू हैव अ डिज़ायर. जब डिज़ायर फुलफिल नहीं होती है फिर क्रोध आता है. तो भगवान कहते हैं कि डिज़ायर को पनपने मत दो, डिज़ायर को आने मत दो. अगर डिज़ायर आएगी तो आप परेशान होंगे. तो ये भगवद गीता की आपने चर्चा करी, मैं भगवद गीता के अंदर एक श्लोक आपको और बताता हूँ कि भगवान कहते हैं इच्छाएं आ रही हैं. कैसे? जैसे समुद्र में नदियाँ जाती हैं, समुद्र विचलित नहीं होता, इस तरह जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, स्थिर है, वो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से इच्छाएं आ रही आ रही आ रही पर उनसे विचलित नहीं होता है. और शांति कौन प्राप्त करता है? वही शांति प्राप्त करता है. ऐसा नहीं जो इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता हो. और फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांति में गच्छति. शांति किसे मिलती है? शांति मीन्स क्रोध नहीं. शांति किसे मिलती है? जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, अर्थात उसके अंदर इच्छाएं आती ही नहीं. वंस यू बिकम कि आपके अंदर इच्छाएं नहीं आए, इच्छाएं कैसे नहीं आएंगी? उसका एक रीज़न है, उसे तरीका है उसका एक. अनदेखा करना, अनसुना करना, अंदर से आत्मचिंतन करना. एक फ्रिज देखा अपने पड़ोसन के यहाँ, 700 लीटर डबल डोर, बहुत बड़ा, आहा, फ्रीजर बिल्कुल पूरी की पूरी अलमारी, फ्रिज का दूसरा हिस्सा पूरी की पूरी अलमारी, वाह 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 क्या बात है, मज़ा आ गया देख के. मेरे घर में तो भाई 210 लीटर का छोटा फ्रिज है. क्या अब उस लेडी ने आपको फ्रिज की क्वालिटी बतानी शुरू करी, हियरिंग आ गई. नाउ योर ईयर इज कनेक्टेड विद दैट, वो विषय है, सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट. नो योर इवन मीन्स आपके सुनने की जो पावर है वो उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो गई है. वो लेडीज उसकी कहानी सुना रही है और आप उसकी कहानी सुन रहे हो. अब उस फ्रिज के प्रति आप में आसक्ति आ गई, घर आके अब इच्छा हुई है कि फ्रिज को प्राप्त किया जाए. ये 210 को दे दो, बेच दो, छोड़ दो, कबाड़ी को दे दो, अन्य फ्रिज लेके आओ. नाउ समहाउ ओवर दी अदर वो पति जो है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, पैसे नहीं है, 90,000 का फ्रिज है, कहाँ से ले आएगा? वो ऑफिस में काम करता है, बेईमानी करता नहीं, ईमानदार आदमी है, इज ए ऑनेस्ट पर्सन. वो कहता है भाई मैं ईमानदार आदमी हूँ. अरे पड़ोसन आप ले आई? अरे भैया उसका हस्बैंड बेईमानी करता है, मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, मेरे पास 90,000 नहीं है भाई फ्रिज लाने के लिए. नो यू गेट एंग्री, क्रोध आ गया आपको, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, पति पर क्रोध निकाल दिया. अगर आपका उस कान में कनेक्शन ना होता या आँख से फ्रिज नहीं देखती आप, तो आपको पता ही नहीं था कुछ है कि नहीं है. आज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है 10,000 रुपये का, जो व्हाट्सएप भी चलता है, मैसेज भी ट्रांसफ़र होते हैं, फेसबुक भी चलती है, सब कुछ चलता है, हम प्रचार करते हैं उससे. बट कोई हमें बताता है कि आईफोन आया, iPhone 110 कितने का है? 1,25,000 रुपये का. अरे भैया मेरा इंटरेस्ट नहीं है और रखो अपने मस्त रहो, मैं उसके सुनना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड टू इट. तो मेरे में उसको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं आएगी. इच्छा तभी आती है व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू दैट. आप विषयों से कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी इच्छा डेवलप हो जाएगी, इच्छा डेवलप होगी, काम कर्म करेंगे उसके लिए, या तो पाप का कर्म होगा या पुण्य का कार्य होगा. इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध आएगा. तो एंगर को कंट्रोल करने के लिए आत्मचिंतन करना जरूरी है कि इज इट नेसेसरी फॉर मी और इज इट नॉट नेसेसरी फॉर मी, एंड अपने कनेक्ट को हटा दो. आप बैठ दो, आप खड़ी हैं बातें कर रही हैं, दूसरी लेडी बात कर रही है, एक व्यक्ति पास में खड़ा है, मैं जाके पूछता हूँ भाई जरा ये बताना है दो औरतें क्या बात कर रही थी? अरे मैंने सुनी नहीं. अरे तू तो पास खड़ा है भाई, उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसने सुनी नहीं, अनसुना, मतलब उसकी उसकी बातों में आसक्ति नहीं आ सकती. और बातों में मान लो कि फ्रिज की टीवी की ये बात हो रही है, उसकी आसक्ति आएगी नहीं, क्यों सुनी नहीं उसने, अनसुना कर दिया. आप ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हुए, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें फिल्म की किसी चर्चा हो रही है, आपको हमने देखा ही नहीं,
और फिर बंदा पहुंचा, यार वो नई फिल्म आ रही पोस्टर लगा था चौक के ऊपर, देखा तूने? यार मैंने ना देखा, मेरा इंटरेस्ट तो ऑफिस आने में था। अनदेखा कर दिया, अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, दैट इज दी वे। कि आपको एंगर नहीं है, मतलब एंगर जो है उस स्टेप पे नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में कट डाउन हो जाएगा, रास्ते में ही कट डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों ने, आपके कान ने, आपकी वाणी ने उसका कनेक्शन किया ही नहीं है, उसके साथ आप कनेक्ट ही नहीं हुए हो। अगर प्रभु जी कनेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कनेक्शन हो जाता है, ऐसे कोई बात फिर भी मैंने नहीं क्या बोला, मैंने आपसे एक बात बताई, आत्मचिंतन करो, इज इट नेसेसरी और इज इट नॉट नेसेसरी, ये जरूरी है या जरूरी नहीं है। वो जब जरूरी नहीं होगा तो चिंतन खत्म हो जाएगा उसका, तो मुझे सोचना ही नहीं उसके बारे में, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वाई शुड आई थिंक ऑफ इट, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं भाई, जब मुझे चाहिए ही नहीं, जब मुझे उसकी डिज़ायर ही नहीं है, मेरे को उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको जो है फिर टेंशन नहीं आएगी, यू विल बी एब्सोल्युटली टेंशन फ्री। जब आपको उसके अब सोचेंगे उसके बारे में, ओहो वो लेना चाहिए, चाहिए। प्रभु जी मैं तो चैंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ वैसे, लेकिन बहुत अच्छा करती हैं आप, लेकिन फिर अच्छा भी प्रभु जी नहीं हो पाता, मतलब वो उस समय ना कंट्रोल नहीं हो पाता, या फिर नाउ कहीं ना कहीं बातें घूमती रहती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि चैंटिंग भी कर रही हैं फिर भी मन भटक रहा है जी, चैंटिंग भी कर रही हैं फिर भी मन भटक रहा है, नहीं उस वक्त करने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, कुछ बातें दिमाग में चल रही हैं, तो दिमाग में ना चले, आपके मन के अंदर इच्छा तो आई ना जी जी जी, ठीक है कि नहीं, और चैंटिंग आपने शुरू कर दी, इच्छा खत्म हो जाए, पर मन डाइवर्ट हो रहा है जी। वो डाइवर्ट क्यों हो रहा है इसका आंसर चाहिए आपको जी। अगर आप वो डाइवर्शन बंद कर दें तो यू आर सक्सेसफुल। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, नहीं मिलेगा ना तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे यही क्वेश्चन करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम होने वाला है, प्रभु जी कहेंगे समय हो गया बंद कर दो जी, जी, नहीं तो मैं आंसर अभी दे देता। ठीक है प्रभु जी, तो आप नेक्स्ट बार में ये क्वेश्चन करिएगा कि मेरा मन जो है डाइवर्ट क्यों होता है, एंड देन वी विल आंसर इट।